एक बार फिर प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी। जी हां, सुनने में आपको अजीब सा जरूर लगेगा मगर यह एक कड़वा सच है। हम बात कर रहे हैं धान खरीद की कि यहां प्रशासन ने 1 नवंबर से धान का समय रखा था जो कि 15 नवंबर होने पर भी शुरू नहीं हो सका। अब किसान बिचौलियों के बीच फंसता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों की बहाली और उनकी खेती में लगाई कीमत, किसान से बेहतर पैसा किसान को मिले, इसके लिए सरकार ने धान का क्रय मूल्य पहले 200 रुपया बढ़ाकर तय की थी। क्या रहा, किसान को दिखाई नहीं दे रहा कि क्रय केंद्र है कहाँ। हाई कागज में चल रहा क्रय केंद्र हकीकत में कहीं ना जहाँ बनाया जाता ब्लॉक पे या जो भी है कहीं नहीं दिखाई देता। ये लोग प्राइवेशन दे दिए हैं सब सिस्टम, और वो लोग अपना किसी के घर बैठ जाते हैं, गाँव में जाके अपना बोर्ड वोर्ड लगा देते हैं और वो प्राइवेट वाले खरीदते हैं। इसलिए किसान अपना माल सरकारी काटे पर लेकर जाता और बिचौलियों के हाथ बेच रहा मजबूर होकर। आएगा जब उसको मालूम रहेगा जब ही जाएगा काटे पर, अब मालूम ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या उसको पता है। किसान कहाँ जा रहा, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। आखिरकार लाश में घूम घुमा के बस 1100-1200 रुपये पूरा बेच देना पड़ता है। पिछले साल जहाँ धान का मूल्य 1565 रुपये था वहीं इस बार 1770 रुपये तय किया गया, जिसमें 20 रुपए छनाई सफाई का था। पहले से धान खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाया गया था। इस बार 40,400 मीट्रिक टन का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा था जो पिछले वर्ष से लगभग 7,000 मीट्रिक टन ज्यादा था। जिले में 5 पंजीकृत समितियां हैं, 52 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय खाद्य निगम का कोई क्रय केंद्र नहीं है। प्रदेश सरकार की मंशा के बावजूद जिला प्रशासन 15 दिन बाद भी कोई क्रय केंद्र को खोल नहीं पाया। किसान मजबूरी से खाद्य ध्यान माफिया और बिचौलियों के बीच जाने को मजबूर है और अपनी गाड़ी मेहनत को औने पौने दामों में बेचने में मजबूर हो रहा है। जहां इन किसानों को 1750 रुपये मिलना चाहिए वहीं बेचारा किसान 1100-1200 में धान बेचने को मजबूर हो रहा है। अधिकारी सारा दोष त्योहार और विभागीय हड़ताल को दे रहे हैं, वहीं अपना दल विधायक सीधा आरोप जिला प्रशासन को दे रहा है। तो कहते हैं साहब ये क्या हो रहा है, हम लोग अब 1100 रुपए में 1200 रुपए में अपने ताव को देख करके व्यापारियों के हाथ में बेच दे रहे हैं। कब तक हम इंतजारी करेंगे, जो हमारा एक तो बारिश नहीं हुआ था, बारिश किसी तरह से किसान पानी चला उला करके मतलब बुता बुआई के लिए उसमें जो ओदी बोलते हैं नमी को लेकर के वो सिंचाई कर ले रहा, अब ताव है जल्दी से बिया जल्दी से खाद, तो अब उसको तो 1100-1200 महीने पौने में बेच करके वो फिट कर। एसएस के संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की पी सिद्धार्थनगर से खास रिपोर्ट।